बाद उनको कितना संघर्ष करना पड़ा, 14 साल जंगल जंगल भटकना पड़ा और बहुत मुश्किल से जब माता रानी का आशीर्वाद हुआ तब जाके बड़ी मुश्किल से रावण का वध हुआ। जब प्रभु की कृपा होती है जहाँ पर कृपा राम की हुई आगे कृपा करे सब हुई और जिनकर नाम ले जग माही सकल अमंगल मूल न साही। तो भगवान से विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश के खिस्सा विंध्य और विंध्य के एक खूबसूरत जिला सीधी, जहां आज सीधी के जिला के प्रभारी मंत्री और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री पहुंचे। अपना पंचन का बता दी कि श्री प्रभु श्री राम के शरण में पहुँच गए ही दुनु मंत्री या एक्सक्लूसिव खबर अपना तक हम लेके आए हैं। हाल में अपना वे जो यह खबर शुरू हो उस पहले बयान सुने हो कि खनिज मंत्री के द्वारा एक बात की जिक्र की जाती 14 वर्ष के प्रभु श्री राम के वनवास के, और यह कहा जाता है कि बिना प्रभु श्री राम की कृपा के एक पत्ता नहीं हिल सके। वह में पंचायत मंत्री के द्वारा कहा गया कि प्रभु राम के इतना विशाल मंदिर है और वहाँ हम पहल बे पहुँचे हैं और यह हमारा सौभाग्य है, कहे कि यह मंदिर हो कि हम पचे नहीं पहुँच पाए, किंतु यह पूरे मामला में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट के बात यदि हम करी ता पहले एक यदि हम चौपाई के बात करी कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ता या यदि बात की जाए तब मध्य प्रदेश के वर्तमान के राजनीति जो है बेहतर स्थिति में कांग्रेस का नहीं माना जा सके, कहे कि कांग्रेस कहो न कहो अपने अंतर द्वंद्व से परेशान ही, अंदरूनी कलह से परेशान ही। जो कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के वो अब आपसी अंतरकलह के शिकार हो रहे हैं और एमा जनता दुविधा में पड़ी जाती कि हम सरकारन का लड़ाई का बनाई थे या फिर अपने रक्षा सुरक्षा व्यवस्था की तीर बनाई थे, किंतु आज ही दुई मध्य प्रदेश शासन के कद्दावर मंत्री के द्वारा जब प्रभु श्री राम के शरण में पहुँच गए तो अब लागत है कहो न कहो कांग्रेस के एक दुआ मांगी गई हुई कांग्रेस की तीर की कांग्रेसों में शांति बरकरार होए। कहे कि प्रदेश के एक साल की सरकार के दौरान जो बड़े बड़े नेता आपसे आपसी अंतर द्वंद्व के शिकार तब हवे भी, किंतु आज के या श्री राम प्रभु के शरण में पहुँच के दोनों मंत्री पहले तब प्रभु राम के राम जानकी मंदिर सीधी माँ जाय के आशीर्वाद लिहीन, फिर के बाद जो राम कथा चल रही है बल्लभाचार्य महाराज जी के उनकर जाके माल्यार्पण से स्वागत करीन, साथ माँ उन्हों के आशीर्वाद लिहीन। जौने माँ पूरा जिला के अमला पूरा अधिकारीगण शामिल रहा, जौने माँ कलेक्टर रविन चौधरी पुलिस अधीक्षक कार्यस बेलवंशी सहित पूरा अमला रहा, किंतु यह पूरे मामला माँ बात यह ही कि कांग्रेस के सलामती के दुआ मांग रहे हैं दोनों मंत्री और यह तक कि उनके द्वारा यह कहा गया कि भगवान सबके भला करें। देखी पूरी रिपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सीधी जिले में बहुत ही गौरव में छड़े के आगे प्रभु श्री राम जी के दरबार में यहाँ हमारे जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के उद्घाटन से राम कथा का श्रवण आप सब कर रहे हैं, हमारे सभी सिद्धिवासी हमारे सभी क्षेत्र के लोग, और इस अवसर पर व्यासपीठ को मैं नमन करता हूँ और आदरणीय हमारे बाबा साहब को नमन करते हुए उपस्थित हमारे इस जिले के लाडले और हमारे युवा साथी मतलब शासन के पंचायत ग्राम विकास मंत्री सामान्य कमलेश्वर पटेली हमारे कलेक्टर एस पी सभी जिला प्रशासन और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे श्रद्धालु जन और विशेष रूप से हमारी सभी माता बहन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से माननीय हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से आप सबका अभिनंदन करते हुए आज पहली बार यहाँ आने का अवसर मिला माननीय हमें सही में जैसे प्रभु श्री राम जी का नाम है अपना मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम उसी उसी के अनुरूप मंदिर का जो निर्माण का हुआ है यज्ञ में भी
उपस्थित होने का अवसर मिला। निश्चित रूप से मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई, एक नई जगह आ रहा था, एक नया स्वरूप प्रभु श्री राम जी का मंदिर देखने को मिला और उनका आशीर्वाद मिला, बाबा जी का आशीर्वाद मिला और यहाँ पर से सभी श्रद्धालु जनों को भी दर्शन किए, इससे एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस हम धर्म की जय बोलते हैं और यहाँ पर रामकथा का आयोजन हो रहा है, रामकथा या भगवत कथा ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम श्रवण करते हैं, यदि इसको हम आत्मसात करें तो हमारी जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव आते हैं सारी चीज़ों का हल जो है उस समस्या को समाधान रामकथा में आपको मिलेगा और भगवत कथा में मिलेगा। ये सारी चीज़ें अपने जीवन में आत्माचरण उतारने की जरूरत है, इससे हमारा जीवन निश्चित रूप से मंगल में हो सकता है। और प्रभु श्री राम ने भी जन्म लिया था सत्य धर्म की स्थापना के लिए, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जन्म लिया अवतार लिया इस सृष्टि पर सत्य धर्म की स्थापना के लिए, और उसके बाद हमारे कई ऐसे जगत गुरु संत ये भी उसी अनुरूप पृथ्वी पर आते हैं, हर बार बार उनके कारण होता है सत्य धर्म की स्थापना, क्योंकि सत्य धर्म के लिए प्रभु आश्वास है पृथ्वी पर। और सत्य धर्म की स्थापना के लिए प्रभु श्री राम ने भगवान होने के बाद कितना संघर्ष करना पड़ा था, 14 साल जंगल जंगल भटकना पड़ा और बहुत मुश्किल से जब माता रानी का आशीर्वाद हुआ तब जाके बड़ी मुश्किल से रावण का वध हुआ, अन्यथा इस सृष्टि को बचाना बहुत मुश्किल होता, इस सृष्टि पर असत्य अधर्म का निवास हो जाता, सृष्टि का पूरा सत्यनाश हो सकता था। तो जब प्रभु इतना कर सकते सत्य धर्म की स्थापना के लिए तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि जहाँ भी हम रहें, पंचायत में रहें, शहर में रहें, अपने परिवार में रहें, समाज में रहें, हमको सत्य धर्म का साथ देना चाहिए, उसके लिए चाहे हमको राजी खाना पड़े चाहे कहना संघर्ष करना पड़े, हमको सत्य धर्म का साथ देना चाहिए। और सत्य धर्म का रास्ता ऐसा है कि संघर्ष जरूर करना पड़ता है, उसके लिए बहुत आती है, लेकिन ये तय है कि जो व्यक्ति सत्य धर्म का रास्ता पर चलता है उसको उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कितना भी गरीब हो कितना भी छोटा हो, अगर सत्य धर्म का रास्ता पर चल रहा है वो करोड़पति से नगरा जा रहा है, तो हमारी माता रानी आप प्रभु श्री राम स्वयं उसके साथ खड़े रहेंगे, उसको सफलता दिलाएंगे, उसको जीत दिलाएंगे, उसको कोई हरा नहीं सकता, ये जो शाश्वत सत्य है, इसलिए हमको सत्य धर्म का साथ देना चाहिए और सत्य धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, उससे बड़ा आत्मविश्वास उससे बड़ी ताकत दूसरी कोई भूल नहीं सकती। ये सब संसारी चीजों का सार है, इस अवसर पर आप सबके बीच पहुँचने का अवसर मिला, इसके लिए आप सबको आए हैं। ये जो भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी माँ का जो दरबार है इस परिसर में पहली बार आए और आकर यहाँ की जो भव्यता देखी, हम तो आयोजन समिति के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने आज हमको हमारे जिले में ही जो इतना प्रतिष्ठित भव्य मंदिर और कई वर्षों से जहाँ हमारे पूजनीय पिताजी का आवागमन था, हमारे जो बड़े संत जी थे, महाराज जी थे, आज नहीं हैं इस दुनिया में, उनसे भी बराबर जैसा कि महाराज जी बता रहे थे कि उनसे भी सतत संपर्क था और हमेशा आशीर्वाद लेते थे, हमें आज व्यासपीठ में बैठे हुए आदरणीय आचार्य महोदय से आशीर्वाद जगत गुरु जी से लेने का अवसर मिला और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे ऋषि मुनि जो यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं उनसे भी सबका आशीर्वाद और स्नेह मिला। आयोजन समिति के सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं और हम हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री प्रदीप जायसवाल जी को धन्यवाद देते हैं कि हमने तो बस बताया कि आज वहाँ चलना है और आपने भी सहजता से स्वीकार किया, और ये तभी संभव होता है जब प्रभु की कृपा हुआ, जब प्रभु की कृपा होती है जापर कृपा राम की हुई, आगे तापर कृपा करे सब हुई और जिनकर नाम लेते जग माही सकल अमंगल मूल साधन। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का तो हम कह सकते हैं स्मरण मात्र से सारे अमंगल सारा कष्ट दूर हो जाता है। तो हम सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो यज्ञ हो रहा है इस यज्ञ के माध्यम से हमारे सिंह साहब आयोजन समिति के और हमारे चाचा आदरणीय आनंद सिंह जी तो सुबह 10 बजे आ गए पर मिलने वालों का बहुत भीड़ था,
और हम लोगों को 10 बजे यहाँ आना है। सबसे पहले वहाँ से निकले तो यही आए, हम आगे कार्यक्रम करेंगे इनका, पहले प्रभु का आशीर्वाद लिया जाए और यहाँ दर्शन किया जाए। और वाकई जो आयोजन समिति और यहाँ के जो संस्थापक लोग हैं उनको सबको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप लोग जो ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब जब जहाँ भी धर्म के कार्य होते हैं तो एक जो करता होता है या आयोजन समिति, उसको भर फायदा नहीं मिलता है। हमारा मानना है कि पूरे आसपास के प्रकृति में एक ऐसा वातावरण बनता है कि सारे जो अन्यायी दुराचारी और जो भी इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, सबका सर्वनाश होता है, एक अच्छा वातावरण संस्कारित बनता है और इसी की आज आवश्यकता है। हम प्रभु जी के चरणों में नमन करते हैं और व्यास द्वीप पर बैठे महाराज जी को भी नमन करते हैं, पूरे आयोजन साथियों को नमन करते हैं और शुभकामना देते हैं कि आयोजन निरंतर बनता रहे और हमारे लायक भी जहाँ कोई सहयोग बने तो हमें भी शामिल करेंगे, हम भी आपके साथ है। पुनः हमारे आदरणीय भाई प्रदीप जायसवाल जी आए, उनसे हम निवेदन करेंगे दो शब्द हम लोगों को, सीधी के जिला वासियों को हम लोगों को दो शब्द, उसके बाद कार्यक्रम तो बहुत है, ट्रेन भी पकड़नी है, पर अब प्रभु के उसमें आए हैं, परिसर में आए हैं तो थोड़ा आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद भैया सिंह साहब, अपना बहुत बहुत धन्यवाद।